नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद, यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBM के यू धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCOM, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC NET, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश के विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096365। गजरी टाण खान दुर्घटना की 26वीं बरसी पर रविवार को कोलियरी कार्यालय परिसर स्थित शहीद स्मारक स्थल गजरी टाण पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खान हादसे में शहीद हुए 64 श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने वालों में BCCL के CMD PM प्रसाद, DP PBM के राव, DT चंचल गोस्वामी, GM सेफ्टी आशुतोष द्विवेदी, कतरास GM अरुण कुमार सिंह, APM सुरेंद्र भूषण, रामानुज सिंह, PN सिंह, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा, अशोक लाल, प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया, हलधर महतो, शिव प्रसाद महतो, KP गुप्ता, मासस जिलाध्यक्ष जीप सदस्य सह जदयू नेता सुभाष राय, राजेंद्र प्रसाद राजा, सुरेश महतो, परवेज इकबाल, अशोक यादव इत्यादि। गजरी टाण कोलियरी खान हादसे में 64 खनिकों की जल समाधि हो गई थी। दुर्घटना के बाद महीनों तक खदान से पानी निकालने का कार्य हुआ। मौलाना हैदर अली, पंडित कौशल पाठक, संजय पाठक के द्वारा पूजा पाठ करते हुए प्रार्थना की गई। मौके पर BCCL के CMD PM प्रसाद ने कहा कि शहीद हुए श्रमिकों के आश्रितों को पेंशन की जो भी प्रक्रिया होगी उसे देख लिया जाएगा। खान दुर्घटना में मारे गए आश्रितों को उसी समय डिपेंडेंट जब्त उसी समय दे दी गई थी। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि BCCL की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। BCCL में जब भी ऐसी घटना घटती है तो ऐसे ऑफिसर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होने से ऐसी घटनाएं होती रहती है। श्री महतो ने कहा कि शहीद स्तंभ से शहीद उपवन तक PCC पथ का निर्माण करवाने की बात कही। आयोजक कर्ता सचिदानंद सिंह ने कहा कि 64 मजदूर श्रमिक जो शहीद हुए BCCL कोयला खदान में उनकी बरसी पर 26 सितंबर को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड परिवार की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी, सदस्यगण, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भाग लेते हैं, जिससे शहीदों के परिवारों को श्रद्धा सुमन अर्पित होने से उनकी मृत आत्मा को शांति मिलती है। शहीद हुए 26 साल बीत गए, फिर भी उनके आश्रित जो है बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। दूसरी ओर जिस सड़क से आप आए, आज के दिन भी BCCL इस सड़क का दुरुस्त नहीं कर पाया, आए दिन क्या होता होगा ये कल्पना आप कर सकते हैं। देखिए, BCCL का कथनी और करनी में बहुत अंतर है और BCCL इसी तरह का स्थिति पूरे कोल इंडिया में बनाए रखा हुआ है और आज उसी का परिणाम है कि आज 27 वर्ष होने के बावजूद भी यहाँ के जो आश्रित जो यहाँ पे शहीद हुए थे उनको परिजन का अभी तक कोई लाभ उनको सुविधा नहीं मिला। नियोजन दे देने से उनका हर सुविधा उनका ये पूरा नहीं हुआ। जो उनका उस समय घोषणा हुआ था उस घोषणा को अभी तक BCCL द्वारा पूरा नहीं किया गया। रह गई बात BCCL, जब इस तरह का घटना बड़ी घटना घटती है तो अवसर पर कार्रवाई नहीं होने के कारण इस तरह का घटना आए दिन आप सुनते होंगे, हम लोग देखते हैं कि घटते रहता है। जब तक वैसे लापरवाह अवसर पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह का स्थिति बना रहेगा और मैं 27 वर्ष पार होने के बाद भी ऑल इंडिया द्वारा शहीद परिवारों को जो सुविधा नहीं मिला वो सुविधा हम मांग करते हैं और BCCL द्वारा उनके जो यहाँ पे जो विकास का कार्य होना चाहिए वो विकास का काम नहीं किया जा रहा है। अभी हम जिस रोड से आएँ, रोड का स्थिति खराब है, यहाँ मजदूर कॉलोनी है, मजदूर कॉलोनी का जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं है। यहाँ के मजदूर किस स्थिति में रह रहा है, यहाँ के जो गरीब दलित लोग आज जो रिटायर होकर भी अपने घर झोपड़ी बनाकर रह रहा है उनको भी कोई सुविधा किसी तरह का नहीं है। तो ऐसे परिवार को सुविधा BCCL के द्वारा देना चाहिए क्योंकि उनके पूरा परिवार इसी BCCL का अपना खून पसीना देकर आज BCCL इस मुकाम तक पहुँचा है। उन परिवार को भी यहाँ के BCCL कोल इंडिया को देखना चाहिए। गजरी टाण की खदान में ही 64 श्रमिक शहीद हुए लेकिन इनको पीने का पानी आज तक नहीं। यही तो दुख की बात है कि BCCL द्वारा जब किसी प्रकार की घटना घटती है तो उस समय बड़े बड़े वादा करते हैं
मगर घटना जैसे ही शांत हो जाता है, स्थिति सामान्य हो जाता है, तो उस समय वो सारा चीज भूल कर सिर्फ और सिर्फ वो प्रोडक्शन में लगे रहते हैं, मजदूर का हर समस्या को। रेडी। अच्छा नेता जी, आप बताइए, आप यहाँ पर शहीद स्मारक का जो केयर टेकर है आप, व्यवस्था होता है ये किसके माध्यम से होता है व्यवस्था? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड परिवार के ओर से ये 26 सितंबर के दिन हमारे 64 श्रमिक जो शहीद हुए BCCL कोयला खनान में काम करने वाले, उनके बरसी के अवसर पर ये भारत कोकिंग कोल के द्वारा, परिवार के द्वारा यह व्यवस्था किया जाता है, श्रद्धांजलि सभा दिया जाता है, जिसमें सर्वधर्म सम्मान प्रार्थना सभा होता है। गणमान्य में सभी ट्रेड यूनियन के सदस्यगण शामिल होते हैं और माननीय विधायक, माननीय सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी इसमें भाग लेते हैं, जिससे शहीदों के परिवारों पर आज के दिन में थोड़ा सा श्रद्धा सुमन अर्पित होने से उनके मृत आत्मा के शांति होती है। इस बात से मृतक परिवारों को थोड़ा मलहम हो जाता है, उनके दिल में तसल्ली होती है। ट्रेड यूनियन के अधिकारी, BCCL के अधिकारी के आते श्रद्धांजलि सभा में? ट्रेड यूनियन के अधिकारी तो सभी लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो एक्टिव ट्रेड यूनियन है उनके सारे पदाधिकारी इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लेते हैं। ये सारा व्यवस्था जो हो रहा है, ये पूरा खर्च BCCL उठा लेता है कि इसमें कुछ आप और से व्यवस्था करना पड़ता है आपको? देखिए, ये दो प्रकार का कार्यक्रम यहाँ 26 वर्षों से चला आ रहा है। इनके नाम पर जब यहाँ उदासी और मायूसी हो गया इनके चले जाने के बाद, इनके परिजन के कोई सुध लेने वाला नहीं था, ऐसे परिस्थिति में ट्रेड यूनियन, सामाजिक लोग और BCCL मिल करके इन्होंने एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। 26वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है सर, लेकिन अभी भी शहीद के स्मारक जो है अपनी सुविधा अपनी ये से वंचित है, क्या क्या? शहीद का स्मारक क्या बोल रहे सर? शहीदों का न्याय नहीं मिला अभी तक सर, जो शहीद हुए थे 1995 उनके आश्रित को अभी तक नहीं न्याय अभी तक नहीं मिला। आश्रित का देखो, डिपेंडेंट जॉब तो उसी टाइम दे दिया गया, बाकी अभी कोई एक माँ बोल रहा है कि हमको पेंशन नहीं मिला, उसको हम लोग देख लेंगे, उसको एक साल से कुछ दरखास्त भरना पड़ता, कोविड के टाइम नहीं भरा होगा, उसको हम देख के उसको क्लियर हो जाएगा। आज भी उनके आश्रित जो है आवास के लिए जर्जर आवास में रह रहे हैं, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है सर। नहीं, आवास अभी हमारे पास है ऐसा नहीं है, अगर उनका कुछ ऐसा है वो हम बात कर लेंगे, कोई कागज का अगर कोई लिख के देंगे तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। आवास दे सकते हैं, BCCL में अभी कम नहीं है, कहीं सरप्लस भी है, कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे। ठीक है।